तो गाइस यार आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल हरप्रीत गेम में। तो यार आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस न्यू करेक्टर की, जो कि गाइस न्यू करेक्टर हमारी गेम के अंदर आने ही वाला है, ठीक है। एंड उसका नाम वो रियल लाइफ में भी है, सबसे मेन अपडेट गाइस वो रियल लाइफ में भी है जो करेक्टर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। एंड ये वाला करेक्टर जो होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कब आने वाला है। एंड उसी के साथ साथ गाइस 5th एनिवर्सरी भी हमारी गेम के अंदर आने वाली है, एंड जितने भी रिवार्ड होने वाले हैं, क्या कुछ स्पेशली रिवार्ड हम सभी को मिलेगा वो भी इस वीडियो में आप सभी को कवर करने वाला हूँ, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर तक वाच कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए वीडियो। सो गाइस ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से बिना टाइम इसके फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। बट हां अगर आज ही 7 जुलाई हमारी गेम के अंदर न्यू टॉवेंट आ चुका है, जिसके बारे में ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं। एंड ये वाला टॉवेंट आप सभी का कंप्लीट होने वाला है अपने आप, खुद ही हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा वो कहेंगे, यार मैं करने वाला हूं आपकी यूआईडी पर गिव अवे। सो गाइस 320 डायमंड का गिव अवे है, सो ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। आपका टॉवेंट हो जाएगा प्लस आपकी आईडी पर ये वाला रिवार्ड भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को करना कुछ भी नहीं, गिव अवे को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए दो स्टेप का फॉलो करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को चैनल को लेना सब्सक्राइब, ठीक है। मेन स्टेप है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। एंड गाइस सेकंड अपनी कमेंट बॉक्स में यूआईडी दे देनी है। बढ़ा कर ओनली सब्सक्राइबर पिक होने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप आप सभी चैनल को लोगे सब्सक्राइब एंड गिव अवे करोगे ज्वाइन, सो गाइस जरूर से गिव अवे को ज्वाइन कर लेना। आपका टॉवेंट बिल्कुल फ्री में हो जाएगा प्लस आपकी आईडी पे डायमंड भी आ जाएंगे, ठीक है। रिवार्ड तो आएंगे आएंगे, सो गाइस जरूर से ज्वाइन कर लेना। सो बात करते हैं गाइस फाइनली हमारे अपडेट्स के बारे में। जैसे गाइस न्यू आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है कोलैबोरेशन, ठीक है। सबसे पहले अपडेट में आप सभी को दे देता हूं न्यू कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। फ्री फायर कोलैबोरेशन किसके साथ करने वाली है, ठीक है। सो गाइस आप सभी फोटो स्क्रीन पर देख सकते हो, फ्री फायर जो कोलैबोरेशन करने वाली है जस्टिन बीबर के साथ, ठीक है। जस्टिन बीबर नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जानते भी होंगे। एंड उसी के साथ साथ गाइस जस्टिन बीबर के साथ जो है कोलैबोरेशन करने वाली है फ्री फायर। एंड उसी के रिलेटेड गाइस आप सभी को गेम के अंदर न्यू करेक्टर एक तो देखने को मिलने वाला है, ठीक है। एक उसका बंडल देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा मतलब कि डायमंड्स के अंदर हम सभी को मिलेगा, फ्री में तो नहीं मिलने वाला। आप सभी को पता है जब भी कोई कोलैबोरेशन आता है तो गाइस फ्री में नहीं मिलता है, एंड हम सभी को डायमंड लगानी पड़ते हैं। बट कोई बात नहीं, फिलहाल गाइस आप सभी को बात करता हूं गाइस कौन सा करेक्टर है, क्या उसकी एबिलिटी है। सो गाइस आप सभी एक बार फोटो स्क्रीन पर देख सकते हो। हां इसकी जो है रिलेटेड होने वाली है मतलब कि ईपी के रिलेटेड होने वाली है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि ईपी के रिलेटेड ऑलरेडी जो हमारी गेम के अंदर आ चुका था एक करेक्टर वगैरह, ठीक है। तो उसी को शायद से हो सकता है कि डिफ्यूज मतलब कि ईपी टू यूज कर रहा होगा करेक्टर वो ना कर पाए, ठीक है। कुछ इस तरह से मतलब गाइस ईपी के रिलेटेड ही होने वाली है, इतना बता देता हूं। एंड उसी के साथ साथ गाइस अभी ओनली जस्टिन बीबर का आप सभी को बंडल भी देखने को मिलने वाला है, जिसको आप सभी फोटो स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड ये वाला जो है मेन करेक्टर होने वाला है, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखेगा आपको गेम के अंदर करेक्टर जो कि जस्टिन बीबर का होने वाला है। एंड इसका जो मेन बंडल, जैसे कि डीजे लो का मेन बंडल आप सभी को पता है ब्लैक वाला, ठीक है। तो उसी तरह से वो वाला बंडल जो है ये होने वाला है जो कि इसने पहना हुआ है करेक्टर ने, ठीक है। तो ये वाला करेक्टर आप सभी को पता है मतलब कि होने वाला है मेन, जिसका मैंने स्किल भी आप सभी को नॉर्मली बता दिया। अगर कंफर्म जानना चाहते हो तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। एंड अभी बात करते हैं बंडल की। तो ये वाला बंडल आप सभी को देखने को मिलेगा नॉर्मली बंडल जो कि करेक्टर के ऊपर मतलब पहना होगा। बट हाँ अगर आप सभी को ओनली करेक्टर चाहिए तो आप सभी को करेक्टर मिल जाएगा, एंड बट ये बंडल नहीं मिलने वाला जो कि आप सभी स्क्रीन पर ऑलरेडी देख ही पा रहे हो। एंड अगर ये बंडल लेना चाहते हो शायद से हो सकता है कि टॉप ऑफ इवेंट के अंदर भी ये वाला करेक्टर एंड बंडल आ जाए। सो गाइस आप सभी को कैसा क्या लगता है एंड इसके बारे में, एंड इससे बदले कि अगर कोई भी डाउट होगा तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। सो फाइनली गाइस अभी बात करेंगे हमारे सिंपली 5th एनिवर्सरी की, ठीक है। जो कि आप सभी को पता है कि 5th एनिवर्सरी मतलब को पता ही होगा। एंड ये किस मंथ आएगी, सबसे मेन बात ये गाइस अगस्त मंथ मतलब कि जुलाई जो अभी चल रहा है। सो नेक्स्ट मंथ आप सभी को 5th एनिवर्सरी देखने को मिलेगी, वो भी 27 अगस्त को। एंड उसी के बाद आप सभी को बहुत सारे रिवार्ड मिलने वाले गाइस सीरियसली, ठीक है। एंड आगे भी इसके ऊपर रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहूंगा मतलब कि अपलोड करता रहूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप सभी जानना चाहते हो भी कौन सा रिवार्ड हम सभी को मिलेगा, मैजिक क्यूब मिलेगा क्या मिलेगा, मैजिक क्यूब के अंदर कौन से बंडल आने वाले हैं, सब कुछ मैं गाइस इसी चैनल पे जो अपलोड करता रहता हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। बहुत सारे बंदों के माइंड के अंदर डाउट होगा भी आपने रिवार्ड वगैरह तो बताया नहीं है, बट हाँ अगर 5th एनिवर्सरी के जो रिवार्ड है वो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, मैं थोड़ी सर्चेबल कर लूँ, ठीक है। एंड विदाउट सर्च मतलब आप सभी को फेक अपडेट तो नहीं देता हूँ। अगर गाइस जस्टिन बीबर का कोलैबोरेशन आने वाला है तो तभी मैंने आप सभी को अपडेट एंड जो भी बंडल वगैरह था वो दिखा दिया था, ठीक है। सो आई होप आप सभी को जब वीडियो अच्छी लगी गाइस अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।